हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए फिर से एक नई और यूनिक ट्रिप लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आएगी। तो दो स्टाइल में मैं ये ट्रिपिंग दिखाने वाली हूँ, और आपको अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन पर प्रेस करना है ताकि आगे आने वाले ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सकें। तो देखिएगा, यहाँ पर मेरे पास ये येलो कलर की कांजीवरम सिल्क एक साड़ी है, और इसकी गोल्डन कलर की बॉर्डर है। बहुत सुंदर ये साड़ी है, और बहुत ही ज़्यादा हेवी नहीं है, सॉफ्ट सिल्क मटेरियल है इसका। तो देखिएगा, यहाँ पर जो हम उल्टा पल्लू साड़ी ड्रिप करते हैं उसको परफेक्टली ड्रिपिंग फर्स्ट स्टाइल में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सो देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट राउंड हमने साड़ी का कंप्लीट कर लिया है, और साड़ी का पोर्शन आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर है। साड़ी का जो पल्लू का पोर्शन है वो भी पिंक कलर का है। इसको अब मैं गैदर करूँगी, और गैदर करते हुए पीछे से हमें सामने की तरफ लेकर आना है, और इसके अब मैं प्लीट्स बनाऊँगी। प्लीट्स ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर हो चुके हैं, सो आई होप, मुझे लगता है कि आपको प्लीट्स बनाना आ चुका होगा। तो देखिएगा, फिंगर और थंब की हेल्प से हम इस तरीके से प्लीट्स बना लेंगे, और इसी तरीके से अच्छे से इसको हम सेफ्टी पिन लगाकर एडजस्ट कर लेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर जो साड़ी का जो फैब्रिक है ये थोड़ा सा सॉफ्ट है, सो इसको मैं सेफ्टी पिन नहीं लगाऊंगी। इसी तरीके से हाथ से लेते हुए अच्छे से इसको थोड़ा सा हाथ से प्रेस करेंगे तो ये साड़ी अच्छे तरीके से बैठ जाती है, सो इसीलिए सेफ्टी पिन लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जहाँ पर थोड़ा सा कड़क वगैरह साड़ी का फैब्रिक है, सो उसके लिए आपको सेफ्टी पिन लगा कर उसको अच्छे से प्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिएगा, अच्छे से हम सेट करेंगे, और साड़ी की जो बॉर्डर है आप देख सकते हैं उसके हिसाब से अब मैं यहाँ पर साड़ी का जो पल्लू का पोर्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लूँगी। और इसी तरीके से अच्छे से इसको सेट करने के बाद हम इसको हमारे लेफ्ट वाले शोल्डर पर डाल देंगे। यहाँ पर देखेंगे कि कितना पल्लू हमें चाहिए, और ऊपर की तरफ एक सेफ्टी पिन लगाकर हम इसको सिक्योर कर लेंगे, और बाद में ब्लाउज़ के साथ सेफ्टी पिन लगाकर इसको अटैच कर लेंगे। पहले ही हम सेफ्टी पिन लगा लेते हैं साड़ी के जो प्लीट्स होते हैं उसको, यानी कि ऊपर की तरफ जहाँ पर हम शोल्डर पर रखते हैं प्लीट्स, तो इससे साड़ी के जो प्लीट्स है ये इधर उधर नहीं हो पाती। और इसी तरीके से अभी मैं साड़ी के जो प्लीट्स है उसको भी अच्छी तरीके से अरेंज करूँगी। इसको हाथ से इसी तरीके से हमें अच्छे से प्रेस कर लेना है, और प्रेस करते हुए इसी तरीके से हम नीचे की तरफ इसको इसी तरीके से प्रेस करेंगे। और यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा मैं जो नीचे की जो बॉर्डर है उसको ऊपर की तरफ इस तरीके से एक सेफ्टी पिन लगाकर एडजस्ट कर लूँगी, ताकि जो फ्रंट जो हमारा फ्लैट होता है उस तरीके की ट्रिपिंग अगर आप चाहते हैं तो आप थोड़ा सा नीचे लीजिएगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा नीचे रखना चाहूँगी, सो इस तरीके से, तो एक अच्छा लुक यहाँ पर हमारा जो पल्लू का है उसका आएगा। अभी यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है कमर पर आता है इसके बॉर्डर, सो इसको हम अच्छे से थोड़ा सा खींचेंगे, और खींचने के बाद यहाँ पर अब मैं एक सेफ्टी पिन लगाकर अच्छे से इसको सेट करूँगी। साड़ी के जो बॉर्डर है उसको अच्छे से अगर हम सेट करते हैं तो बहुत सुंदर लुक आएगा। सेफ्टी पिन लगाने की बजाय मैंने यहाँ पर थोड़ा सा इसको ट्विस्ट कर लिया, क्योंकि ये हार्ड फैब्रिक नहीं है, सॉफ्ट है, सो अलग ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो इसको इस तरीके से ट्विस्ट और टक करने के बाद बाकी की जो बची हुई साड़ी है उसके अब मैं यहाँ पर प्लीट्स बनाऊँगी, और वन बाय वन सारे प्लीट्स हम बनाएंगे। यहाँ पर आपकी साड़ी की लेंथ पर निर्भर है कि अगर आपकी साड़ी बहुत ही ज़्यादा लंबी चौड़ी है सो आप बड़े बड़े प्लीट्स भी बना सकते हैं, और नॉर्मली 5-6 प्लीट्स हमारी साड़ी की बन जाती है। सो इस तरीके से आपकी प्लीट्स बनाने के बाद यहाँ पर मैं इसको अच्छे से सेट करूँगी, और नीचे भी हमें अच्छे से सेट करना पड़ेगा, तभी हमारी जो साड़ी है वो अच्छे तरीके से सेट हो पाएगी। यहाँ पर एक सेफ्टी पिन लगाकर हम इसको अच्छे से सेट करेंगे, और नीचे की तरफ जो हमारी प्लीट्स आई है उसको भी हमें अच्छे तरीके से सेट करना पड़ेगा। इसी तरीके से अभी मैं साड़ी की प्लीट्स खोलूँगी, और अच्छे से इसको प्रेस करते हुए नीचे की तरफ हम इसको लेकर जाएंगे। सो इसी तरीके से हमें अच्छे से इसको सेट कर लेना है। इससे हमारी जो प्लीट्स है यहाँ पर, अगर आप चाहते हैं एक मिडल में हम एक सेफ्टी पिन लगा सकते हैं, नीचे की तरफ भी एक सेफ्टी पिन आप लगा सकते हैं सारी प्लीट्स को अरेंज करके, क्योंकि ये वाली ट्रिक मैंने पहले बताई हुई है। इससे हमारी जो प्लीट्स है वो अच्छे तरीके से सेट हो जाती है। अभी यहाँ पर देखिएगा, इस तरीके से अगर आप पिन नहीं लगाना चाहते तो इसको इस तरीके से सेट करते हुए ऊपर की तरफ गोल गोल करते हुए घुमा कर लेकर जाना है, और घुमाते हुए यहाँ पर इस तरीके से प्रेस करेंगे तो आपकी जो प्लीट्स हैं वो नीचे से बहुत सुंदर तरीके से अरेंज हो जाती हैं, और अच्छे भी दिखाई देती हैं। अभी ये वाला जो पोर्शन है इसको हम इस तरीके से निकालेंगे, ये वाले फैब्रिक को, और निकालने के बाद यहाँ पर मैं इसको ट्विस्ट करना चाहूँगी राइट साइड में थोड़ा सा। देखिएगा, आपका जो कमर का पोर्शन है लेफ्ट साइड में वो आप देख सकते हैं पैर पर भी कितना अच्छी तरीके से सेट हो चुका है, और यहाँ पर हम ट्विस्ट और टक करने के बाद बाकी की जो बची हुई प्लेट्स है उसको भी अच्छे तरीके से सेट करेंगे।
देखिएगा कितना अच्छा लुक यहाँ पर हमारा आया है। अभी ऊपर की तरफ हमें एक पिन लगाकर इसको अच्छे से सेट करेंगे, तो सारी जो प्लीट्स है वो भी हमारी अच्छे तरीके से सेट हो जाती है। अब आता है हमारा जो पल्लू का पोर्शन यहाँ पर आता है, ये अगर फुला फुला रहता है तो अच्छा लुक नहीं आता। सो इसी तरीके से हम इसको एक एक करते हुए नीचे की तरफ लेकर जाएंगे, इससे हमारी जो प्लीट्स है वो बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज हो जाएगी और आपका जो लुक है वो दोनों तरफ से एकदम से परफेक्टली आएगा, एक तरफ से फुला और एक तरफ से परफेक्ट ऐसा नहीं लगेगा। सो इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे और हमारा जो लुक है वो कम्प्लीटली यहाँ पर रेडी हो चुका है। सो ये है हमारा फर्स्ट वाला लुक, आई होप आपको पसंद आया होगा। सो देखिएगा कितना अच्छा लुक हमारा यहाँ पर आया है, एकदम परफेक्टली हमारी साड़ी की ड्रेपिंग हो चुकी है। ये इस पर मैंने पिंक कलर का ब्लाउज जो है तो वो पहना हुआ है, आप चाहे तो जो भी आपको पसंद आए वो वेयर कर सकते हैं। अब मैं आपके साथ सेकंड वाला जो लुक है वो शेयर करना चाहूँगी, वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप किसी भी पार्टी फंक्शन में उसको अच्छे से वेयर कर सकते हैं, इजीली वेयर कर सकते हैं, वो लुक भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। और एक बात, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन पर प्रेस करना है ताकि आगे आने वाले ऐसे वीडियोज़ को नोटिफिकेशन को आप मिस ना कर सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो प्लीट्स वगैरह है वो भी बहुत ही परफेक्टली और अच्छे तरीके से अरेंज हो चुकी है। तो चलिए हम देखते हैं सेकंड वाली स्टाइल। सो इसके लिए हमें एक स्कर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, कोई भी आपके पास जो स्कर्ट है वो वेयर कर सकते हैं, कनकन स्कर्ट है तो वो भी आप वेयर कर सकते हैं। सो देखिएगा इस तरीके से मैंने स्कर्ट वेयर कर लिया। अभी जो साड़ी है उसके हमें प्लीट्स बना लेने हैं, तो इस साड़ी में एक तरफ ब्लाउज का पीस जो है वो फैब्रिक निकाला नहीं है, सो वैसे ही रहने दिया है पिंक कलर का आप देख रहे हैं वो वाला। अगर आपके साड़ी का निकाला हुआ है तो कोई बात नहीं, आप निकाल भी सकते हैं। सो देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से अब प्लीट्स बनाएंगे। अब इस साड़ी की हमें पूरी प्लीट्स बनानी है, सो बहुत सारी प्लीट्स बनेंगी तो इसको एडजस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो कोई भी इस तरीके की कपड़े की पिन वगैरह आप लेकर इसको इस तरीके से सेट करेंगे तो आपकी जो प्लीट्स है वो अच्छी तरीके से इजीली यहाँ पर बन जाएगी। सो इसी तरीके से हमें प्लीट्स बनाकर इसको अच्छे से प्रेस करना है और अच्छे से इसको सेट भी कर लेना है, और ये जो हमने कपड़े की पिन ली है इससे इस फैब्रिक से हम इसको अच्छे से सेट करेंगे। अभी देखिएगा यहाँ पर पल्लू का पोर्शन मैंने छोड़ दिया है थोड़ा सा फैब्रिक, और बाकी की जो बची हुई साड़ी है उसकी पूरी प्लीट्स हमने बना ली है, और प्लीट्स बनाने के बाद इसको अच्छे से अरेंज करेंगे, क्योंकि ये वाली जो ड्रेपिंग है ये यहाँ पर अगर हमारी अच्छे से सामने से लुक आएगा, प्लीट्स वगैरह अच्छे से दिखाई देगी तो बहुत सुंदर लुक आपका दिखने वाला है। सो इसीलिए आपको इस तरीके की प्लीट्स बनाने के बाद इसको अच्छे से अरेंज करना पड़ेगा। ये वाली जो ड्रेप है आप किसी भी शादी फंक्शन में इजीली वेयर कर सकते हैं, बहुत सुंदर लुक ये देता है। सो देखिएगा इस तरीके से पूरी प्लीट्स जो है हमें अच्छे से अरेंज कर लेनी है। तो देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से पूरी जो प्लीट्स है एक एक करते हुए नीचे की तरफ हम लेकर आएंगे तो हमारी जो प्लीट्स हैं वो अच्छी तरीके से अरेंज हो जाती है। अब इसको बनाने के बाद इस तरीके से हम प्लीट्स को लेंगे और सामने हमारे इस तरीके से हम कमर में इसको अच्छे से थोड़ा सा सेट करते हुए इसको टक इन कर देंगे, लेकिन पूरी प्लीट्स इकट्ठा हमें एक तरफ घुमाते हुए एक ही तरफ इसकी साइड रखते हुए नहीं टक इन करनी है। सो देखिएगा इस तरीके से थोड़ा सा फैलाया हुआ है यहाँ पर, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, सिर्फ नीचे से इसका जो पोर्शन है वो बहुत ही अच्छी तरीके से अरेंज हो जाएगा। इस तरीके से एक एक प्लेट हमारी अलग अलग तरीके से दिखाई देनी चाहिए। सो इस तरीके से हमें थोड़ा सा इसको फैलाना है इस तरीके से, और फैलाने के बाद ये वाला जो पल्लू का पोर्शन है अभी हम इसको अरेंज करेंगे। यहाँ पर इसकी मैं प्लीट्स बना लूँगी, और प्लीट्स बनाकर इसको पीछे से हम सीधा पल्लू साड़ी जो लेते हैं उस तरीके से मैं गुजराती स्टाइल में इसका पल्लू लेना चाहूँगी, और ये वाला लुक बहुत सुंदर लगेगा। सो इस तरीके से देखिएगा अभी यहाँ पर इसको अच्छे से अरेंज करना है प्लीट्स को भी, और प्लीट्स को अरेंज करने के बाद कोई भी जो साड़ी होती है उसका पल्लू का जो फैब्रिक होता है वो थोड़ा सा हार्ड कड़क ही होता है, सो इसको थोड़ा सा हम इस तरीके से अच्छे से अरेंज करेंगे तो हमारी जो प्लीट्स है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है, अच्छे तरीके से बैठ जाती है। सो इस तरीके से बनाने के बाद देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से खींचेंगे और ऊपर की तरफ अब हम इसको सेट करेंगे हमारे राइट वाले शोल्डर पर, और राइट वाले शोल्डर पर अरेंज करने के बाद इसको अच्छे से सेफ्टी पिन लगा कर अब मैं इसको अच्छे से सेट करना चाहूँगी। एक पिन मैंने पहले ही लगा ली है ताकि प्लेट्स इधर उधर ना हो जाए, इसलिए तो देखिएगा इस तरीके से लेंगे और इसको मैं ऊपर की तरफ रखकर सेट करना चाहूँगी। अब ये वाली जो प्लेट्स हमने बनाई है आपको अगर इसी तरीके से रखनी है तो इस तरीके से रख सकते हैं, या फिर पल्लू को फैलाना है तो फैला भी सकते हैं। सो देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से मैं इसको कमर में जो बाकी का फैब्रिक है ऊपर का वो हम टक इन कर देंगे, और गुजराती पल्लू जिस तरीके से लेते हैं उस तरीके से हम इस पर लेने वाले हैं। यहाँ पर जो रिंकल्स आएंगे हमारे प्लीट्स के उसको भी अच्छे तरीके से अरेंज करना ज़रूरी है।
अभी देखिएगा इस साइड में हमारे जो राइट साइड है यहाँ पर जो पोर्शन है इसको हम इस तरीके से लेंगे और यहाँ पर लेने के बाद इसको ऊपर की तरफ से एक तरफ से हम यहाँ पर एक स्पिन लगाकर इसको अच्छे से सेट करेंगे और सेट करने के बाद पीछे की साइड में हम लेकर जाएंगे और कमर में पीछे की साइड में बीच में कमर में बराबर हम इसको टक इन कर देंगे और टक इन करने के बाद एक साइड में दोनों तरफ से हमारे अच्छी तरीके से रिंकल्स दिखाई देने चाहिए। इस तरीके से अरेंज करना है, ये वाला जो फैब्रिक है उसको कमर में टक इन कर देंगे और टक इन करने के बाद दोनों तरफ से रिंकल्स हमारे बराबर दिखाई देने लगते हैं और पीछे जो हमने स्कर्ट वगैरह वेयर किया हुआ है वो उसका पोर्शन दिखाई देता है। सो जो भी आपके पास अच्छी सी स्कर्ट है उसको आप इस तरीके से वेयर करते हुए इस तरीके से ले सकते हैं। तो गुजराती स्टाइल में पल्लू हम इस पर सेट करेंगे। नीचे से पल्लू का फैब्रिक जो है वो छोटा ही रहेगा और सामने की तरफ से आप देख सकते हैं कितने अच्छे हमारे जो प्लीट्स है वो अरेंज हो चुकी है। पीछे से भी इसका लुक बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई देता है। जो साड़ी की अगर बॉर्डर की साड़ी आप लेते हैं तो उस पर इसका जो लुक है वो बहुत अच्छी तरीके से अरेंज हो जाता है। इस पर हम इस तरीके से वेस्ट बैंड लगाएंगे और अच्छी तरीके से हमारा जो लुक है वो इस पर वेस्ट बैंड की वजह से और भी सुंदर दिखाई देगा। सो एक बार इस ड्रेप को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेप कैसा लगा। किसी भी शादी फंक्शन पार्टी में आप इसको इजीली वेयर कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता, इजीली आप इस पर वेयर कर सकते हैं। इस पर अगर आप इस तरीके से सामने की तरफ से पल्लू रखना चाहते हैं इस तरीके से उल्टा पल्लू तो ये भी आप रख सकते हैं, ये भी लुक बहुत सुंदर लगता है। इस पर भी वेस्ट बैंड वगैरह आप लगा सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको कौन सा लुक पसंद आया इनमें से मुझे ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।